नमस्कार ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र जिले की कुछ खास खबरों पर। जैसा कि आपको को बता दें कि ललितपुर जिले के कस्बा बार में श्री श्री 1008 कारस देव महाराज की प्रतिष्ठा को लेकर यहां एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें का शुभारंभ बार के ऐतिहासिक तालाब से हुआ। इसके बाद नगर भ्रमण करते हुए भगवान कारस देव, जिन्हें भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है, उनकी प्रतिमा को शोभायात्रा में शामिल कर बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ, जिसमें आगे आगे घोड़े के जोड़े चल रहे थे जो अपने अलग ही अंदाज में नृत्य कर रहे थे, श्री कारस देव की प्रतिमा के आगे महिलाएं व पुरुष लेकर उन्हें मंदिर पहुंचने का आमंत्रण दे रहे थे। लोगों ने जगह भगवान देवदी को प्रसाद लगाते हुए टीका किया व आस्थाओं के आगे कोरोना बेदम नजर आया। शोभायात्रा जब बानपुर रोड पर स्थित कारस देव मंदिर पहुंची, उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया और बताया गया कि कल कारस देव महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी व अगले दिन विशाल कन्या भोज व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।